उत्तराखंड का सुप्रसिद्ध 71वां राज्य स्तरीय औद्योगिक विकास और सांस्कृतिक गोचर मेले का आज समापन हुआ है। इस समापन अवसर पर बद्री केदार मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदिया ने पुरस्कार वितरित किए हैं। बता दें कि पर्वतीय समाज के मेलों का स्वरूप भी अपने एक आकर्षण का केंद्र रहा है। गोचर का यह प्रसिद्ध मेला इसका उदाहरण माना जाता है। उन्होंने कहा कि गोचर मेले में उत्तराखंड के उत्पादों को ज्यादा बढ़ावा देने के लिए दीर्घकालीन नीति बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि हम बाहर के उत्पादों पर कम निर्भर रह सके, यहाँ के उत्पाद को अधिक से अधिक बाजार में मिल सके, ताकि लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने फुटबॉल मैच के विजेता टीम विश्व 11 देहरादून को ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया, साथ ही शहीदों के परिजनों को भी सम्मानित किया। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। गोचर मेला, जैसा कि आप जानते हैं, औद्योगिक एवं सांस्कृतिक मेला है और ये राजकीय मेला है। ये 14 नवंबर से प्रारंभ होता है और 20 नवंबर तक चलता है। इसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तराखंड के द्वारा किया गया और हमेशा किया जाता है, और समापन माननीय नेता प्रतिपक्ष के द्वारा किया गया। मेला बहुत अच्छा रहा, इसमें बहुत डिफरेंट कल्चर के लोग आए और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए उसमें मुख्य रूप से पर्वतीय कल्चर, जो हमारा पहाड़ी कल्चर है, उसको महत्व दिया गया। लोकल के साथ साथ ही कुछ कलाकार देहरादून से भी आए थे और व्यापारियों ने बहुत अच्छा आनंद लिया, बहुत बिक्री भी हुई थी और शांति व्यवस्था पूरी बनी रही पूरे मेले में। कभी भी कोई भी ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई, तो मैं इसके लिए अपने समस्त संगठनों को बधाई देना चाहता हूँ। और हम ठीक रहा, मतलब और हैं। इस बार प्रतिवर्षी भाग इस बार भी हमने यहाँ पे अपना गोचर मेले में स्टॉल लगाया था। काफ़ी अच्छा अनुभव तो नहीं कह सकते हैं विगत वर्ष की भाग, बस ठीक रहा। और जो हमें अभी स्टॉल मिला है, ये मिला है हमें जिला उद्योग केंद्र चमोली की ओर से, और उनका भी सही दिन से धन्यवाद। और हम आशा ये करते हैं कि आने वाले टाइम में, आने वाले विगत वर्षों में और ये मेला और अच्छा भव्य हो और हमारे पहाड़ी उत्पाद की और अधिक मांग हो। इससे भी कहा और इस बात कहना चाहता हूँ कि मेले की सार्थकता और अधिक होगी, जब यहाँ पर बाहर के उत्पादों को छोड़कर सरकार को एक दीर्घकालिक नीति पर काम करने की आवश्यकता है कि धीरे धीरे बाहर के उत्पादों पर निर्भरता समाप्त हो, स्थानीय उत्पादों को मेले में शामिल किया जाए और जो लोगों की आवश्यकता है उसके अनुरूप स्थानीय उत्पाद बने।